स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सीनियर के जी में सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पार्ट है 12, यानी पार्ट 12। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है कि अंग्रेजी मूलाक्षर पहचानो, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे आपको अंग्रेजी के मूलाक्षर दिए हुए हैं, उनको आपको लिखना भी है और साथ में पढ़ के पहचानना है कि हाँ, इस मूलाक्षर को हम किस कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एस। क्या है एस? देखो किस तरीके से लिखा जाता है एस। ये है एस, एस फॉर सन। एस फॉर सन, सन मीन्स सूर्य। सन किसे बोलते हैं? सूर्य को। तो यहाँ पे चलो हम एस बनाते हैं। आप ए बी सी डी या कैपिटल वर्ड में जो मूलाक्षर आप लिखते हो ए बी सी डी के, उनको बड़ी ए बी सी डी, जो पहली ए बी सी डी होती है, उसके तीन लाइनों में आपके अक्षर आते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे एस फॉर ये सन बनाएंगे और इसको यहाँ पे बिंदी डॉट करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल से उन डॉट को मिलाते हुए एस फॉर सन लिखना है। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे। देखो किस तरीके से आपको आराम आराम से बनाना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आपका ये एस फॉर सन एकदम अच्छे से स्वाध्यायपोथी में लिखा जाए और देखने में भी अच्छा लगे। और लिखने के साथ साथ आपको बोलते भी रहना है कि एस फॉर सन। क्या बोलेंगे आप? एस फॉर सन। इस तरीके से आपको पेंसिल से बिंदियों को मिलाना है। एस फॉर सन, 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 एस फॉर सन। अब ये जो बॉक्स खाली दी है, इसमें आपको खुद से लिखना है। देखो किस तरीके से तीन लाइनों में आपको बना के लिखना है एस फॉर सन। ऐसे बनाना है आपको, ठीक है? एस फॉर सन, ठीक है। तो ये कौन सा मूलाक्षर था? एस। एस फॉर क्या होता है? सन। फिर उसके बाद में यहाँ पे अब हम लिखेंगे टी फॉर टॉप। क्या है? टी फॉर टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। तो टी, टी देखो किस तरीके से लिखा जाता है। आप टी फॉर टाइगर भी बोल सकते हैं। ये देखो टी, इस तरीके से, इस तरीके से आड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, टी फॉर टाइगर। इसको भी आपको ऐसे जैसा पेंसिल से बिंदियों को मिलाते हुए टी फॉर टाइगर लिखना है, ठीक है? ऐसे, और आपको बोलते जाना है टी फॉर टाइगर। क्या बोलना है? टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, ठीक है? नीचे की लाइन में आओ, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर। और यहाँ पे जो दो बॉक्स खाली दिए, इसमें आपको खुद से लिखना है। तो चलो लिखते हैं टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, ठीक है? तो कौन से मूलाक्षर लिखे हमने अभी यहाँ पे? एस फॉर सन और टी फॉर टॉप। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे यू फॉर अम्ब्रेला। क्या है? यू फॉर अम्ब्रेला। देखो किस तरीके से यू बनता है, और अम्ब्रेले का मतलब होता है छाता। क्या होता है? छाता। तो यू फॉर अम्ब्रेला। तो चलो हम यू फॉर लिखते हैं यहाँ पे। यू, यू को किस तरीके से बनाएंगे? ये देखो, हम अपनी पेंसिल से इस तरीके से बिंदुओं को मिलाते हुए यू लिखेंगे, ठीक है? यू फॉर अम्ब्रेला। क्या है? यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। फिर यहाँ पे खाली बॉक्स में खुद से लिखेंगे यू फॉर अम्ब्रेला। जितनी बार भी आप लिखो, उसको बोलते हुए जाना है आपको कि आप कौन सा अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है? तो यू फॉर अम्ब्रेला,
इस तरीके से आपको यू फॉर अम्ब्रेला लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला अक्षर कौन सा है, अगला अक्षर है वी फॉर वैन। क्या है, वी फॉर वैन या लारी। तो वी फॉर वैन किस तरीके से लिखेंगे, चलो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से वी फॉर वैन, 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 वी फॉर वैन। फिर यहाँ पे खाली बॉक्स में खुद से लिखना है आपको वी फॉर वैन। नीचे की लाइन में फिर से लिखते हैं वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे डब्ल्यू फॉर वॉच, क्या है, डब्ल्यू फॉर वॉच। तो चलो हम यहाँ पे डब्ल्यू बनाते हैं, किस तरीके से डब्ल्यू लिखेंगे, ये डब्ल्यू फॉर वॉच, 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 डब्ल्यू फॉर वॉच। अब ये जो खाली बॉक्स दिए हैं इसमें आपको खुद से डब्ल्यू फॉर वॉच लिखना है, डब्ल्यू बनाना है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं डब्ल्यू फॉर वॉच, इस तरीके से आपको यहाँ पे डब्ल्यू लिखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने आज कौन कौन से मूलाक्षर लिखे। एस फॉर सन, एस फॉर सन, सन मीन्स सूर्य। टी फॉर टॉप, टॉप मीन्स लट्टू, ठीक है। फिर है आपका यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। फिर वी फॉर वैन, वी फॉर वैन। फिर डब्ल्यू फॉर वॉच, क्या है, डब्ल्यू फॉर वॉच। तो अभी आपने आज ये जो भी मूलाक्षर यहाँ पे सीखे एस टी यू वी और डब्ल्यू, इनको आपको क्या करना है, अपनी स्वाध्याय पोथी में इस तरीके से लिखना है और फिर उसके बाद में अपनी नोट में भी लिख के लिखना है और साथ में इन मूलाक्षरों को याद भी रखना है कि आपको किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, जय गायत्री।